नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइफ चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने इस खास एपिसोड में करता हूँ, जो विशेष रूप से मेष लग्न, मेष राशि या जिनके भी नाम का पहला अक्षर मेष राशि में पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अक्षय है तो अ मेष राशि में आता है, इस तरह से जो चालू नाम है आपका वो भी अगर मेष राशि में है तो आप इस राशिफल को अवश्य ध्यान से देखें। इस राशिफल में हम आपके जीवन के सात प्रमुख पहलुओं, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए 2021 कैसा रहेगा, धन के लिए कैसा रहेगा, परिवार के लिए कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, इसके अलावा प्रेम संबंध, विवाह आदि के लिए कैसा रहेगा, कैरियर के लिए कैसा रहेगा, इस तरह अलग अलग बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सा इस वर्ष के लिए आपका शुभ मंत्र है जिसका जप आपको करना चाहिए, और साथ ही इस साल आपको क्या विशेष रूप से ध्यान देना है उसकी भी बात करेंगे, जिसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इस साल का आपका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अंत तक इसको एपिसोड को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एपिसोड होने वाला है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको पुश कीजिए और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको पुश करिए, ताकि आगे भी सभी राशियों के जो राशिफल हैं आपको मिलते रहें। दोस्तों ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में पहले सामान्य कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि मेष राशि के जो मित्र होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके नेत्र सदा चंचल होते हैं और वो बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं। साहस से, कर्म से, मेहनत से अपनी चीज़ों को, पुरुषार्थ से अपनी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में हो या अधिकार प्राप्ति के क्षेत्र में ये लोग काफ़ी अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, ऐसा देखा गया है, और सत्ता के काफ़ी करीब या सत्ता में ये लोग पाए जाते हैं। व्यापार भी इनके लिए एक अच्छा प्रीपोजिशन होता है, व्यापार भी ये लोग अच्छे से करते हैं। एक आकर्षण शक्ति होती है मेष लग्न वालों में, और जो कि उत्पन्न होती है उनकी ऊर्जा के कारण, तो ये ऊर्जा उनमें होती है और ये ऊर्जा लोगों को आकर्षित करती है। साहस से भरे हुए कार्य करने में ये लोग हमेशा आगे रहते हैं और इनिशिएटिव लेके साहस से भरे कार्य करते हैं। जल से इन्हें कष्ट होता है, जल से इन्हें खतरा होता है, साथ ही रक्तचाप, गुर्दे के रोग और इस तरह की जो बीमारियां हैं ये इनको परेशान करती है। तो मेष लग्न के जो जातक हैं, मेष राशि के जो जातक हैं या जिनका चालू नाम मेष राशि में आता है, उनके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021, सबसे पहले आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में कैसा रहेगा अगला वर्ष। सेहत के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं गुरु और शनि ये दोनों आपके केंद्र में दशम भाव में बैठे हुए हैं, शश योग बनाते हुए शनि बैठे हैं और गुरु का भी नीच भंग राजयोग प्राप्त हो रहा है। तो मंगल की राशि के लिए, ये जो मेष राशि के लिए, सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी, फिटनेस की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे इस वर्ष, पुराने रोग जो हैं वो भी आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे, और जिस समय आपको सावधान रहना है मंगल की जो पोजीशन है चौथे भाव और आठवें भाव में, उसके हिसाब से 22 फरवरी 2021 से 14 अप्रैल 2021 और उसके बाद 2 जून से 20 जुलाई 2021 ये समय सेहत के लिए थोड़ा सा आपके लिए ख़राब रहेगा, बाकी पूरा वर्ष आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा, पुराने रोग दूर होंगे और आप फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे। अब दूसरी बात पे चलते हैं, कैरियर आपके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021 कैरियर के लिए। ये सबसे बड़ा प्रभावशाली समय, जैसा कि हमने टाइटल में भी थंबनेल में डाला है, ऊंची उड़ान का ये समय है दोस्तों,
क्योंकि दसवें भाव में धर्म कर्माधिपति योग बनाते हुए जब गुरु और शनि की युति हो रही है और फिर गुरु अप्रैल में 6 अप्रैल से एकादश भाव में जाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा योग आपके लिए बनाएंगे। तो ये बहुत ही प्रभावशाली समय है, अपने सपने पूरे करने का समय है। बहुत बड़े बड़े लोगों से आपको कांटेक्ट होगा, उनसे सहयोग प्राप्त होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस समय का सदुपयोग करें और साथ ही पदोन्नति, प्रमोशन, प्रोग्रेस के काफ़ी अच्छे मौके इस वर्ष आपको मिलेंगे। कार्यभार आपका बढ़ेगा, जो कार्य अभी आप करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य के लिए एंगेज किए जाएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है और नए प्रीपोजिशन, नए कार्य वो हाथ में ले सकते हैं, काम उनका भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से उनका भी जो अगर कोई दुकान है तो दुकान का साइज बढ़ सकता है, ज़्यादा माल आप रख सकते हैं, या अगर कोई बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस का क्षेत्र, दायरा आपका बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये एक्सपांशन देने वाला समय है आपके कामकाज के लिए, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद दोस्तों अगला जो पहलू है आपके परिवार का पहलू, उसकी तरफ चलते हैं। परिवार का पहलू इस वर्ष दोस्तों बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि दूसरे भाव में, परिवार के भाव में राहु की स्थिति है जो कि कहीं ना कहीं समस्या को दे रही है। आपकी वाणी को में कटुता ये लेके आ जाएगी सेकंड हाउस का राहु, और जिसकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं आपको। तो वाणी में संयम अगर रखेंगे तो परिवार की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, अदरवाइज परिवार में कुछ अनबन की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से आपके लिए बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये आपको सलाह है कि वाणी पे संयम रखें, परिवार के मामले में कुछ ना कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। शनि की विदृष्टि चौथे भाव पर है और राहु बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो आपके परिवार में, कुटुंब में, भाई बहनों के बीच या बीच ही ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। धन प्राप्ति के लिए कैसा ये समय रहेगा, धन संपत्ति के लिए आइए जानते हैं। तो धन के अवसर काफ़ी अच्छे से आपके लिए बढ़ेंगे दोस्तों, काम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से धन प्राप्ति के भी अवसर मिलेंगे। अभी तक आपने जो पिछले समय में मेहनत की है, पिछले वर्ष 2020 में, 19 में, उसका फल प्रतिसाद इस वर्ष आपको मिलेगा और वर्ष के प्रारंभ से ही धन की आवक आपके लिए शुरू हो जाएगी। और विशेष रूप से 6 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक और उसके बाद फिर नवंबर के बाद इस वर्ष आपको धन की बहुत अच्छी प्राप्तियां होंगी, ऐसा हमें लगता है। तो आपके पुराने रुके हुए पैसे वगैरह भी मिलेंगे। धन के लिए ये वर्ष दोस्तों काफ़ी अच्छा है। शिक्षा की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, शिक्षा के लिए समय अच्छा है दोस्तों, खास करके अप्रैल से लेके सितंबर तक और उसके बाद नवंबर से वर्ष के अंत तक शिक्षा में आपको आशानुकूल सफलता दिलाने वाला ये समय रहेगा। और विदेश वगैरह यदि कोई जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा हमें लगता है, लेकिन निश्चित रूप से सफलतादायक समय रहेगा। नौकरी बहुत से लोगों की लग सकती है इस समय, इससे अच्छा समय बहुत ही कम आएगा नौकरी लगने के लिए। तो जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है या नौकरी छूट गई है, वो लोग पूरा प्रयास करें, यही समय है अच्छी नौकरी, नई नौकरी पाने का। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट है। प्रेम संबंध या विवाह आदि के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो अप्रैल के बाद वर्ष के अंत तक लगभग समय प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया है तो फिर से उनके साथ में संपर्क बन सकता है संबंध। विवाह के योग भी आपके रहेंगे अप्रैल के बाद से, यानी कि अप्रैल के महीने से ही शुरू हो जाएंगे। तो जिन साथियों का विवाह नहीं हुआ और जो विवाह योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, सकारात्मक गोचर है गुरु का इस वर्ष, तो उनको विवाह के बंधन में वो जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये सारे पहलू हैं जो कि अधिकांशतया मेष राशि के लिए शुभप्रद हैं। परिवार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में लगभग बहुत ही अच्छा समय मेष राशि का वर्ष 2021 में आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। शुभ रत्न जहाँ तक आपके लिए है दोस्तों,
माणिक्य और पीला पुखराज आपको इस वर्ष धारण करना चाहिए। मंत्र आपके लिए ओम श्रीं श्रियै नमः, ये जो मंत्र है दोस्तों, इसका रोज अगर आप 108 बार जप करें तो आपके काम में बहुत तरक्की होगी, जिसके लिए ये वर्ष आपको विशेष रूप से फायदा पहुंचा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी हम ये मंत्र लिख देंगे, तो आप उसको देखिए और वर्ष पर्यंत आप इस मंत्र का जप करिए, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस वर्ष का रिजोल्यूशन दोस्तों, चूंकि परिवार भाव खराब हो रहा है, साथ ही दूसरे भाव में राहु है, तो कड़वा आप बोल सकते हैं, तो इस साल आपको रिजोल्यूशन यही लेना चाहिए कि आप किसी से भी कड़वी बात नहीं करेंगे और लोक व्यवहार पर, पब्लिक रिलेशनिंग पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, परिवार के लोगों को का ध्यान रखेंगे और अच्छी बातें बोलेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख बातें थी मेष राशि के लिए, और आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा ऊंची उड़ान का ये समय है, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट है और अच्छे से अपना काम करें। हमारी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।